रो क्यों रहे हो आप? रो रहे हैं इसीलिए कि बच्चा छोटा छोटा है, कोई दिखने वाला नहीं है गांव में, इसीलिए हम लोग अच्छे हैं। रात में नींद नहीं आते हैं इसीलिए रोते हैं कि बच्चा बहुत कष्ट में है। वो तो सुई लगा हुआ तो पेशाब निकलता है, सुई नहीं निकलता ना लगातार पेट फुला देता है। क्या नाम है बहन जी आपका? रेणु देवी। रेणु देवी जी, कितने महीनों से हो आप यहाँ पे दिल्ली में? छः महीना से जी। तो क्या दिक्कत है आपके बच्चे को? पिसा यूरोलॉजी का दिक्कत है, पिसा आपका रास्ता नहीं है, और जिस दिन के ऑपरेशन होने का डेट था उसी दिन लॉकडाउन हो गए हैं, बहुत परेशान है। अगर पेशाब नहीं होते हैं तो पाइप दोबारा से होते हैं, अगर पाइप खोल देते हैं तो पेट फुला के तड़िंग कर देते हैं। तो कितने महीने से हो आप यहाँ? छः महीने से। तो वहाँ घर पे कौन कौन है बिहार में? बिहार में 4 बच्चे हैं, 3 लड़का 1 लड़की, कोई नहीं है देखने वाला, पति यहीं है साथे में आए। अच्छा, हस्बैंड वाइफ दोनों अपने बच्चे के लिए आप यहाँ पे? हाँ, यही बच्चे के लिए आए। परेशानी है सर, मेरा लड़का का 6 महीना से जो है पेशाब का रास्ता जो है पेशाब नहीं होता, यहाँ से होता है, और पेशाब का रास्ता ब्लॉक हो गया, मतलब हाँ पेशाब ब्लॉक हो गया है, उसी रास्ता में जो है ना पाइप लगा हुआ है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे 4 बच्चे हैं, वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। ये हमारे हिंदू भाई हैं, इनका बेटा विकलांग है और आज 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने से इनका ऑपरेशन नहीं हुआ। आप कितने भी फ्री खाना मिलता हो, कितनी भी फ्री दवाई मिलती हो, लेकिन आदमी की अपनी भी ज़रूरत होती है, अपनी भी कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो लेनी पड़ती है, ख़रीदनी पड़ती हैं। आपके पास पैसा वैसा है? कुछ नहीं सर, 1 रुपया नहीं है हम लोग के पास। रोड पर खाना आता है तो वही जो मिलता है वो खाना वो खाता हूँ, रोड पर खाना खाता हूँ जो साहब लोग देते हैं। मतलब इतनी परेशानी आपको हो रही है कि अगर वो किसी दिन खाना नहीं आएगा तो कैसे करोगे? तो ऐसे रह जाते हैं, अंदर में जो खाना मिलता है वही खा के रह जाते हैं। मतलब जो आपका खाना बच्चे के लिए आता है उसी खाने में तीनों लोग खाते हैं, तीन चम्मच में तीनों आदमी, इतना बड़ा चम्मच आता है, 1 चम्मच तीनों आदमी वही में खाते हैं। तो आपका बेटा विकलांग है? हाँ विकलांग है, तो उसी को 50 रुपया दिए थे सर ने, वही 50 रुपया उसका पॉकेट में है, 1 रुपया खाने पीने का भी नहीं है। जो भी लाए थे 3000 रुपया लाए थे गाँव से, सारे खत्म हो गए 6 महीने में, कैसे जीते हैं कहने का नहीं। कैसे दुनिया सरवाइव कर रही है, कैसे दुनिया जी रही है, ये लोग 6 महीने पहले 3000 रुपया लाए थे अपने गांव से, बिहार के रहने वाले हैं, और उस 3000 में इन्होंने कैसे 6 महीना गुजारा आप जान सकते हैं, जहां हम अपने गाड़ियों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल पर पैसा खर्च करते हैं। ये वो मज़दूर हैं जो 3000 में 6 महीना चलाते हैं, 6 महीना 500 रुपये महीना, आप देख लीजिए 500 रुपये महीना क्या होता है, उसमें 3 लोग हैं, इनका अपना खर्चा भी है, बेहद अफसोस की बात है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ कि ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, ऐसे लोग आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। अभी हमसे जो मदद होगी हम करेंगे, लेकिन आप भी निकलिए अपने अपने इलाकों में, अपने अपने मोहल्लों में आके देखिए, ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे आपको। ये कुछ पैसा है बहन जी, है ना? ठीक है ना, ये कुछ पैसा कम से कम आपका 1-2 महीने का तो चल जाएगा ना इसमें? ठीक है। मैं घबरा रो क्यों रही हो आप? रो रहे हैं इसीलिए कि बच्चा छोटा छोटा है, कोई दिखने वाला नहीं है गांव में, इसीलिए हम लोग अच्छे हैं। रात में नींद नहीं आते हैं इसीलिए रोते हैं कि बच्चा बहुत कष्ट में है। घबराना मत, और आपका बच्चा बिल्कुल जल्दी ठीक होगा। हाँ। जी ठीक। फिर आप लोग से हम यही करते हैं, हाँ प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा जल्दी मदद करवा दीजिए मेरा डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और ऐसे लोगों की मदद किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया।